गाइस, अगर आप iPhone 14 Pro या फिर 14 Pro Max यूज करते हो, आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ प्रो लेवल कैमरा सेटिंग्स जिसकी मदद से आप फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। तो चलो बताता हूँ। चलिए तो आपको मैं हर एक सेटिंग बताता हूँ iPhone 14 Pro और 14 Pro Max की कैमरा की। तो यहाँ पर कैमरा ऐप में आने से पहले आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर कैमरा की सेटिंग्स के अंदर आपने आ जाना है। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो आपको बता देता हूँ, वो आपने ऑन कर देनी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट्स में आपने हाई एफिशिएंसी रखना है और इसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाती है फोटो कैप्चर में, एप्पल प्रो रॉ की, तो इसे भी आपने अनेबल कर देना है। फिर आप इस फोन का 48 मेगापिक्सल कैमरा यूज कर पाओगे, तो आपने इसे ऑन कर देना है। अगर आपके पास कम स्टोरेज वाला आईफोन है तो यहाँ पर आप इसे 12 मेगापिक्सल पर भी कर सकते हो। अगर आपको स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है तो आपने 48 मेगापिक्सल रखना है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल जो फोटो निकल के आएगा उसकी MB थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर 12 मेगापिक्सल। और इसके नीचे हमें वीडियो कैप्चर में एप्पल प्रो रेज की ऑप्शन मिल जाती है, तो ये तो बहुत ज्यादा आपकी स्टोरेज यूज करती है। तो अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल शूट कर रहे हो कुछ और आपके पास एडिटिंग के लिए हाई एंड PC पड़ा हुआ है या फिर कोई अच्छी वाली मैकबुक है तभी आप इसका यूज करना, क्योंकि यहाँ से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे प्रो रेज में तो बहुत ज्यादा स्टोरेज यूज होती है आपकी। तो मैं तो इसे बंद ही कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास ये 256 GB वाला वेरिएंट है, पर फिर भी मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम काम में आती है। जब मुझे बहुत ही कुछ तगड़ा शूट करना हो तभी मैं इसे यूज करता हूँ। तो इसको आपने बंद ही रहने देना है वैसे, और बैक आ जाए फिर। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड वीडियो के कुछ फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नीचे आपको शो पैल फॉर्मेट की ऑप्शन भी दिखाई दे रही होगी, तो इसे आपने अनेबल कर देना है। यहाँ पर अब आप देखो तो यहाँ पर पैल फॉर्मेट में 4K में वीडियो बना सकते हो, फुल HD में आप पैल फॉर्मेट में वीडियो बना सकते हो 25 FPS पर, तो ये काफी ज्यादा काम में आएगी आपकी, वो मैं बताऊंगा आपको। और इसके नीचे आपको एनहांस स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन मिलती है जो कि सिनेमैटिक मोड में काम में आती है, पर थोड़ा जैसे आपके फुटेज को क्रॉप कर देगी, तो इसे आप ऑफ ही रखो क्योंकि आप एडिटिंग में भी क्रॉप कर ही सकते हो, तो इसका कुछ रोल है नहीं यहाँ पर, तो इसे आपने ऑफ ही रहने देना है। और उसके नीचे हमें एक्शन मोड लो लाइट की ऑप्शन मिल जाती है, तो अगर आप लो लाइट में एक्शन मोड यूज करो तब आपने इसे ऑन रखना है, वरना आप इसे बंद ही रहने दो। और HDR वीडियो की ऑप्शन दे के रखी है, तो ये तो आपको पता ही है हाई डायनेमिक रेंज, तो इसकी जरूरत है तब आपने इसे ऑन रखना है, वरना आप इसे बंद रहने दे। मैं इसे बंद ही रखता हूं जब जरूरत होती है, इंस्टा के लिए कोई रील बनानी होती है तब मैं इसे ऑन कर लेता हूं। और यहां पर ऑटो FPS की ऑप्शन दे के रखी है, तो जब भी रिकॉर्ड करते टाइम आप एकदम से अच्छी लाइट से लो लाइट में आ जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली 60 FPS से 30 FPS पर रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, तो इससे आपकी लो लाइट में वीडियो क्वालिटी तो इंप्रूव हो जाती है, पर जैसे FPS कम होते हैं तो वीडियो की स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये आपने देख लेना, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आपने इसे ऑन रखना है, वरना आपने इसे बंद रखना है। तो यहां पर मैंने तो इसे बंद रखा है, बाकी आपको ऑटो FPS का तो अभी पता लग गया ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा हमें रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड की ऑप्शन मिल जाती है, इसे भी आपने ऑन रखना है, काफी अच्छी रिकॉर्ड करता है, आईफोन का हर एक माइक यूज होता है और ये काफी काम में आता है, तो इसे आपने ऑन रखना है। और प्रिजर्व सेटिंग का तो आपको पता ही होगा, इससे आप अपनी सेटिंग्स को प्रिजर्व करके रख सकते हो, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है आपको। और यूज वॉल्यूम अप टू वर्स्ट फोटोज क्लिक करने आपने एक साथ बहुत सारे तब आप इसे यूज कर सकते हो, तो इसे आपने बंद रखना है। अगर आपको जरूरत है बहुत सारे फोटोज क्लिक करने एक साथ तो आप इसे ऑन रखें। और स्कैन QR कोड, शो डिटेक्टेड टेक्स्ट, इन्हें भी आपने ऑन रखना है, ग्रिड को भी आपने ऑन रखना है, मिरर फ्रंट कैमरा को भी आप ऑन रखें तो अच्छा रहेगा, और व्यू आउटसाइड द फ्रेम भी अगर आप ऑन रखोगे तो आप फायदे में रहोगे, और फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी आपको मिल जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मैक्रो कंट्रोल भी मिलता है, तो इसे भी आपने ऑन रखना है, ये भी काम में आएगा आपके। तो अब चलते हैं डायरेक्ट अपने कैमरा ऐप के ऊपर। तो कैमरा ऐप में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है इसे आप एज ए शटर बटन भी यूज कर सकते हो। तो जब भी आपने फोटो क्लिक करना है तो आप वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर दो, फोटो क्लिक हो जाएगा, वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर दो, फोटो क्लिक हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो डायरेक्ट आप बटन को होल्ड करके रख लो, और ये आपका एक फिजिकल शटर बटन है, तो अब आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बहुत इजीली। ये जो फिजिकल शटर बटन है ये आपके बहुत काम में आएगा, अगर आपने अपने फोन में म्यूजिक लगा के रखे हैं और म्यूजिक के साथ में अगर चाहते हो कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट अपना कैमरा ऑन कर लेना है, यहाँ पर वॉल्यूम अप या डाउन किसी बटन को आपने होल्ड करके रख लेना है, और अब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो आपने म्यूजिक प्ले करके रखा है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले हुआ है इसे मैं अभी बंद कर देता हूँ, और डायरेक्ट अब आपको इस वीडियो को सुना देता हूँ। तो जो आप बोल रहे वो भी साथ में रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके साथ में जो आपने म्यूजिक प्ले करके रखा है अपने आईफोन में वो भी आपको सुनाई देगा। तो काफी काम में आ जाता है ये फीचर, अगर आपने इंस्टा स्टोरी वगैरह बनानी है तो काफी अच्छे से आप बना सकते हो कार में या फिर जैसे भी आप बनाना चाहते हो। अब गाइस आपको नेक्स्ट बताता हूँ कैसे आप अपने आईफोन में बेस्ट तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। नॉर्मली हम जूम इन जूम आउट करने के लिए अपने स्क्रीन को पिंच करते हैं इस तरह से, और वो उतने अच्छे से जूम इन जूम आउट नहीं करती है, तो उतना इजी टू यूज नहीं रहता है। इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, जो कि एक हाथ से भी आप यूज
यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें बेसिकली फोर मोड मिल जाते हैं आईफोन 14 प्रो या फिर मैक्स यूज करो आप। पहले तो हमारा 0.5 है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए देके रखा है, फिर हमारा 1x नॉर्मल आ जाता है, 2x देके रखा है, 3x देके रखा है। तो ये हमारा नॉर्मल ऑप्टिकल जूम देके रखे हैं जो कि काफी ज्यादा क्लियर रहते हैं। तो बेस्ट तरीका जो है जूम इन जूम आउट करने का, यहाँ पर आप किसी भी लेंस के ऊपर हल्का जैसा होल्ड करो, उसके बाद आपको स्क्रोलिंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो अब आप बहुत ही स्मूथ तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो और आपको पूरा पता लगेगा कि आप कितना जूम कर रहे हो, कितना एक्स तक आप जा रहे हो। और ये बेस्ट तरीका है जूम इन जूम आउट करने का। और भी ज्यादा स्मूथ जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है। तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाते हो तो जो आपका शटर बटन है आप यहाँ पर इसे होल्ड करो, तो जब भी आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से आप जूम कर सकते हो और बहुत ज्यादा सिनेमेटिक रहता है ये। तो आप इस तरह से जूम इन और जूम आउट करोगे काफी ज्यादा स्मूथ वीडियो आप बना सकते हो। तो ये था हमारा बेस्ट वे जूम इन जूम आउट करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमारी कंट्रोल बार। मोस्टली जब भी एंड्रॉइड यूजर आईफोन पकड़ते थे उसे नहीं पता होता कि आईफोन का कैमरा कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके मिलते हैं कंट्रोल बार को एक्सेस करने के लिए। एक तो आप स्वाइप अप करो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैमरा सेटिंग मिल जाती है, और दूसरी ऑप्शन ये ऊपर की तरफ आपको एक छोटा सा पॉइंटर दिखाई देगा, यहाँ पर आपने टैप करना है और आपको कंट्रोल बार नजर आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईफोन की फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करने की पहली ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाती है, ये नॉर्मली ऑटो पर रहती है। जब आप लो लाइट में कैमरा यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिक में ऑन ही रह जाती है, और आपने लो लाइट मोड यूज करना है तो फिर आपने डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलती है इसे ऑन ऑफ करने के लिए, तो यहाँ से आप इसे मैनुअली यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमें दूसरे नंबर ऑप्शन मिलती है लाइव फोटो की, तो यहाँ पर लाइव ऑटो देके रखा है, इसे आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, तो ये भी काफी सही रहता है। वैसे तो ये ऑप्शन हमें टॉप में सबसे ऊपर दिख जाती है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसे ऑफ कर सकते हो, डायरेक्ट इसे ऑन कर सकते हो। पर यहाँ से अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आप स्वाइप अप करो और यहाँ से डायरेक्ट इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफिक स्टाइल, तो ये भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट फिल्टर लगा सकते हो, टोन चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाती है और इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे टोन आपने कम ज्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये एक फास्ट तरीका है जिससे आप अलग अलग टोन में फोटोज क्लिक कर सकते हो और बड़ी बड़ी फोटोज की आउटपुट ले सकते हो। और नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलती है रेशियो की, तो यहाँ से आप रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो स्क्वायर वाली देके रखी है, अगर आप अपने किसी प्रोफाइल पिक के लिए या फिर लोगो के लिए कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो आप अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हो। और आपकी ग्रिड ऑप्शन मैंने तभी ऑन करवाई थी, आप किसी भी चीज को सेंटर में लेके आ सकते हो प्रॉपर, और उसके बाद अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो ये एक प्रॉपर फोटो निकल के आ चुके हैं जो कि आप डीपी में या फिर लोगो में यूज कर सकते हो जो भी आपने एडिट करना है उसको करने के बाद। और इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है एक्सपोजर को कम ज्यादा करने की। अगर आपको थोड़ी लाइट ज्यादा चाहिए, रूम में लाइट कम है, तो यहाँ से आप थोड़ा एक्सपोजर इंक्रीज कर दो जितनी भी आपको नीड है, तो इससे लाइट इंक्रीज हो जाएगी। और आपने कम करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका ये एक्सपोजर कम ज्यादा करने का। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है टाइमर सेट करने की। अगर आपने टाइमर के साथ में फोटो क्लिक करना है तो यहाँ से आप टाइमर रख सकते हो। तो अगर आपने ग्रुप सेल्फी लेनी है तो आप टाइमर पे रख सकते हो, ट्राइपॉड पे फोन रख के इजिली फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें फिल्टर्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे, यहाँ से आप देख सकते हो विविड, और जो भी आपने रखना है वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाते हैं। हालांकि आप इसे बाद में भी कर सकते हो जब आप फोटो एडिट करते हो, पर रियल टाइम देखने पर आपको पता लग जाता है आपका फोटो कैसे निकलने वाला है किस फिल्टर के साथ में। तो रियल टाइम ही यूज करो अगर आपने कोई भी फिल्टर यूज करना है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है रॉ की, तो ये वाली फोटो रहती है जब आपने रॉ फोटो क्लिक करना है। आईफोन का 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करना है और बहुत ज्यादा अच्छी फोटो निकल के आती है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी रो मोड हमारा ऑन है, यहाँ पर मैं फोटो क्लिक करता हूँ, इसे मैं अब बंद करके भी क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने बंद भी कर दिया और मैंने दो फोटो क्लिक किए हैं। तो यहाँ पर हमने दो फोटो क्लिक कर दिए हैं, ये हमारा नॉर्मल वाला है। और आपको पहले मैं रॉ फोटो दिखा देता हूँ, तो इसकी डिटेल अगर आप देखोगे तो आप जूम करने पर यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो, बहुत ज्यादा क्लियर इसने फोटो क्लिक किया है। और दूसरे वाला अगर आपको मैं दिखाऊं तो क्लियरिटी तो इसकी भी काफी अच्छी है, पर रॉ वाले की बेस्ट निकल के आती है क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल कैप्चर कर पाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा जैसा कलर्स में डिफरेंस देख सकता हूँ, रॉ वाले में कलर्स भी बहुत ज्यादा नेचुरल आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे एडिट करोगे तो एडिट करने पर आप काफी नेक्स्ट लेवल तक इसे एडिट कर पाओगे। और फोटो का साइज आप देख सकते हो, रॉ वाला हमारा 51.6 MB का है और जो हमारा नॉर्मल वाला है ये यहाँ पर 1.2 MB का है, मतलब साइज का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। अगर आप रॉ यूज करते हो तो फोन की मेमोरी आपकी बहुत ज्यादा जल्दी भरने वाली है, पर आउटपुट में डिफरेंस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लेना, जब जरूरत हो तब आप रॉ फोटो यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाती है रॉ ऑन ऑफ करने की। तो ये सारी थी हमारी कंट्रोल बार की सेटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग में आपको बताऊंगा नाइट मोड की, नाइट मोड में आप कैसे बेस्ट आउटपुट ले सकते हो। पहले तो स्टूडियो की लाइट्स को बंद कर देता हूँ। एलेक्सा टर्न ऑफ स्टूडियो। ठीक है।
तो गाइस रूम की लाइट यहाँ पर मैंने बंद कर दी है और यहाँ पर आंखों से ज्यादा आईफोन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली नाइट मोड को ऑन कर दिया है, पर आप यहाँ पर कंट्रोल बार को ओपन कर लो, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगी यहाँ पर नाइट मोड की। इसको ऑटो की जगह आप थोड़ा सा इंक्रीज करो तो यहाँ पर 2x तक आ चुका है। और अगर आप अपने फोन को स्टेबल रख सकते हो, किसी ट्राइपॉड के ऊपर रख सकते हो, तो जैसे यहाँ पर मैंने इसे अभी स्टैंड के ऊपर लगा दिया है तो यहाँ पर मैक्स टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 3 सेकंड हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा और रूम की लाइट को कम करता हूँ। तो गाइस रूम की लाइट मैंने पूरी तरह से कम कर दी है और विंडो से अभी थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। तो यहाँ पर मैक्स टाइम अभी 3 सेकंड बता रहा है। और आपका फोन अगर ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है और बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पर मैक्सिमम 30 सेकंड तक चला जाता है और जो 30 सेकंड वाली आउटपुट आती है वो मतलब अंधेरे में भी आप बहुत तगड़ा फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 सेकंड वाला क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 3 सेकंड लेगा मतलब ये इस फोटो को क्लिक करने के लिए। तो 3 सेकंड के बाद जो रिजल्ट निकल के आए हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मतलब आंखों से इतना नहीं दिखाई दे रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, आंखों से इतना नहीं दिखाई दे रहा है। और इसने जो फोटो क्लिक किया है गाइस, यहाँ पर AI का यूज किया जाता है फोटो को एनहांस करने के लिए। तो जो मैं पहले फोटो क्लिक कर रहा था ये उससे भी ज्यादा क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। भाई क्या बात है आईफोन की। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपने नाइट मोड यूज करना है तो यहाँ पर आपने आने के बाद इसे मैक्स कर देना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाओगे आईफोन के। और कोशिश करनी है आपने फोन को स्टेबल रखना है, मतलब आप ट्राइपॉड के ऊपर रख लो या फिर कहीं पर स्टैंड लगा के रख दो, बेस्ट आउटपुट निकल के आएगी। सेटिंग्स में मैंने पहले आपसे मैक्रो कंट्रोल की सेटिंग ऑन करवाई थी, तो उसका फायदा बता दूं आपको। तो नॉर्मली जब भी आपने मैक्रो शॉट क्लिक करना होता है, बस आपने अपने फोन को पास लेके जाना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो आप मैक्रो फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपकी सेटिंग में से मैक्रो कंट्रोल ऑन है तो आपके पास कंट्रोल रहता है इसे ऑन ऑफ करने का। यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा फ्लावर बना हुआ है, यहाँ पर आप टैप करोगे तो आपका मैक्रो मोड एकदम से ऑन ऑफ आप कर सकते हो, मतलब पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो ये काफी काम में आता है, वरना समटाइम मैक्रो मोड हमने ऑन करना भी नहीं होता है पर फिर भी ऑन हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास इसका पूरा कंट्रोल रहता है। और वीडियो सेटिंग में मैंने आपसे PAL फॉर्मेट ऑन करवाया था, तो ये आपको बता देता हूँ, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है FPS चेंज करने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 4K में हमें नई ऑप्शन मिल गई है यहाँ पर 25 FPS की। तो आप 25 FPS में जब भी वीडियो बनाओगे तो इंडियन लाइटिंग के हिसाब से ये परफेक्ट रहती है। कभी भी वीडियो बनाते समय इस तरह की फ्लिकरिंग आ रही है तो यहाँ पर आपने कैमरा को 25 FPS पर लेके आ जाना है और फ्लिकरिंग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तभी मैंने आपसे PAL फॉर्मेट ऑन करवाया था स्टार्टिंग में। और यहाँ पर हमें कैमरा सेटिंग में सिनेमैटिक मोड भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसे कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो। तो जब भी आप सिनेमैटिक मोड यूज करें तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर F दिखाई देगा, यहाँ पर आपने टैप करना है और उसके बाद आप यहाँ से ब्लर लेवल को कम और ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर F 2.0 पर ब्लर सबसे ज्यादा है और जैसे आप थोड़ा सा स्क्रोल करोगे तो ब्लर कम होता जाएगा। तो आपने इसे कभी भी मैक्स पर यूज नहीं करना है, इसे थोड़ा सा आप कम ही रखो तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे आपको मैं 3x पर दिखा देता हूँ, तो इसे मैं अगर थोड़ा कम रखूं तो यहाँ पर आप एज डिटेक्शन देख सकते हो, थोड़ी और अच्छी सी दिखाई देगी और नेचुरल जैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से आप सिनेमैटिक मोड को यूज करो तो बेस्ट आउटपुट देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपको FPS की ऑप्शन मिल जाती है, 24 FPS मिल जाते हैं इसमें, 25 FPS मिल जाते हैं। जब वीडियो में फ्लिकरिंग आ रही है तो 25 यूज कर लेना, वरना आप 30 FPS यूज करो, बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगी। इसके अलावा गाइस जो मैंने आपसे सेटिंग्स ऑन करवाए थे उसका बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, आप लाइव टेक्स्ट रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टैप करोगे उसके बाद आप डायरेक्ट इस नंबर को यहाँ पर किसी को कॉल करनी है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वो आप इजीली कर सकते हो। ये नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप सेकंड लाइन पर देख सकते हो $125। अगर आपने यहाँ पर टैप किया उसके बाद यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हो $125 इंडियन रुपीज में कितने होते हैं, आप इजीली डायरेक्ट पता लगा सकते हो कैमरा ऐप की मदद से ही। बहुत काम में आते हैं ये फीचर। नंबर सेव करना है आप नंबर सेव कर सकते हो, कुछ भी रीड करना है रीड कर सकते हो, कुछ भी आपने ट्रांसलेट करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपने टैप करना है उसके बाद आपको सारी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है, ट्रांसलेट की मिल जाती है, शेयर करना है तो शेयर भी आप कर सकते हो। तो काफी काम में आता है ये फीचर जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे ऑन करवाया था। और कोई QR कोड है वो भी आप इजीली स्कैन कर पाओगे ऐसे ही। इस कैमरा ऐप के अलावा मैं कुछ और भी कैमरा ऐप्स यूज करता हूँ अपने फोन में जो कि आईफोन के कैमरा को और भी ज्यादा तगड़ा बना देती है। तो अगर आपको उन कैमरा ऐप्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो फिर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये थी कुछ कैमरा सेटिंग आईफोन 14 और 14 प्रो मैक्स यूजर्स के लिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कैमरा सेटिंग्स थी पर ये इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी थी। तो काफी ज्यादा बेसिक्स पर काफी ज्यादा यूजर्स को पता नहीं होती है और मोस्टली जो कि एंड्रॉइड से आईफोन में आते हैं। तो इस तरह से आप आईफोन के कैमरा को अच्छे से मास्टर कर सकते हो। तो अब मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ब्लॉग चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहां पर भी आ जाओ। अब मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।